कांग्रेस के जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बीच वॉक युद्ध छिड़ गया है, जिसके बाद इरफान अंसारी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग करते हुए कहा कि बीजेपी सांसद के खिलाफ कई कानूनी धारा के तहत केस दर्ज है, इसलिए इन पर अविलंब कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाए। दरअसल जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी के गंगा दिए गए बयान के बाद दोनों के बीच तल्खी बढ़ गई। कोई काम इसने नहीं किया, केवल हवाबाजी, ड्रामेबाजी, यही काम है इसका। और इसका सारा हवाबाजी इरफान अंसारी निकालेगा। अभी चुनाव है मधुपुर, देख रहा है कि सब बोलिया समाप्त हो गया तो इरफान अंसारी पर। मैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग करता हूँ कि इस पर कई धाराएं हैं, इसको अविलंब इस पर कार्रवाई हो और इसकी सजा, इसकी जो बात अपराध जगत की। मुंगेर में डकैतों ने दानापुर भागलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है और इस दौरान लुटेरों ने ट्रेन पर पथराव भी किया, जिसमें यात्रियों के साथ एस्कॉर्ट पार्टी के जवान भी घायल हो गए। वहीं एसी बॉगी के शीशे भी टूट गए। लूटपाट की यह घटना जमालपुर भागलपुर रेल खंड के बरियारपुर थाना क्षेत्र के लोहा पुल परिया गांव के पास की है। दरअसल बरियारपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने के पहले ही लोहा पुल परिया गांव के पास लुटेरों ने गाड़ी को वैक्यूम कर रोक दिया और रेल यात्रियों के साथ लगभग 20 मिनट तक लूटपाट की। लूट की घटना को अंजाम देने के बाद लुटेरे ट्रेन से उतरकर फरार हो गए। प्राप्त जानकारी के मुताबिक ट्रेन की दो बोगियों में लूटपाट हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में लगी है, साथ ही डकैतों को चिन्हित करने की भी कोशिश की जा रही है। आया, उसके हाथ में पिस्टल था और हम लोग डर के मारे आगे चले गए। वो अचानक से एक लड़का भी भागा उसके पीछे, पता नहीं, हम लोग सोचे कि हो सकता है कुछ अपना पर्सनल दुश्मनी होगा, तो इस वजह से वो लोग जंगल में, अचानक ट्रेन रुक गई वहीं पे, वो लोग जंगल में उसी समय उतर के चले गए। 12-13 लोग क्या कुछ छीना भी आपके पास है?